हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है संडे, हाँ जी संडे है, और अभी शाम के में भी 5:30 या 6:15 हो चुके हैं। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले नहाया है, और अपने से बहुत सारे लेडीज़ को ये वाली जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। सो ये जो लिपस्टिक है मे बी शुगर की है, हाँ शुगर की है, और शुगर के सभी लिपस्टिक, क्रेयॉन की लिपस्टिक है सभी बहुत ही अच्छी होती है। और मेन चीज़ है ना, लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, जिसकी वजह से ना आपको मतलब ये नहीं करना पड़ता बार बार कि अप्लाई करना नहीं पड़ता, और एकदम ऐसे क्रैकी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। बट अभी मुझे नहीं पता है कि ऑनलाइन क्या मतलब मिल पा रहा है, क्योंकि मैंने मेरे जितने भी सारे स्पॉन्सरशिप के जो वीडियो है वो अभी स्टॉप कर दिए हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत भी नहीं होती। जैसे कि पर्पल से मतलब हमें ऑफकोर्स सभी को पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर को जो है पर्पल की तरफ से मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ से ही मुझे मिली थी, तो अभी तक मैंने उनके साथ बातचीत नहीं की है। तो जब तक जैसे कि अगर लॉकडाउन मतलब अभी तो 17 मई तक है मे बी, तो उसके बाद अगर मिल जाते हैं तो मैं लिंक वगैरह जो है लिपस्टिक भी दिखाऊंगी, शायद मैं भी मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। और यस, मेरे पिंपल जो है वो थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वो जेल जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं ना, दो तीन दिन लगा रही, फिर उसके बाद एक दिन थोड़ा सा गैप तो हो ही जाता है, तो ऐसी वाली चीज़ें। और बट वो क्रीम मुझे पता है बहुत इफ़ेक्टिव है, यहाँ पे भी थोड़ा सा पिंपल्स आया था, उसको भी मैंने अभी टच किया। ओके, सो आज के खाने में, रात के खाने में जो है बनने वाला है बिरयानी, अंडा बिरयानी, और बहुत टाइम के बाद मैं अंडा बिरयानी बना रही हूँ, और बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने ट्राई की। मैं तो आपको तू कपड़े घात ले का, कपड़े घात ले, अगर पैंट घालना है तो पैंट है। स्वामी श्री ने अपने अपने हाथों से नहाया है ना, नीचे जाके पहनो ना। अभी हम नीचे चलते हैं और अंडा बिरयानी जो है बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ का नज़ारा, वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सन, और पता नहीं ब्लैक क्यों दिख रहा है। तो अभी भी हमारे यहाँ पे जो है जैसे कि लॉक है, रॉड वगैरह लगाए गए हैं। जो है उबालने के लिए रख दिए है, और साथ ही साथ कुकर में राइस जो है वो मैंने रख दिया है, बासमती राइस जो है वो पक रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, वो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जो प्याज है वो मैंने उनको कुछ इस तरह से कट करके जो है पैन में जो है वो डाल दिया है। और ये जो प्याज है हमें डार्क ब्राउन कलर के करने हैं, तो इस वजह से मैंने ऑयल भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। और फिर उसके बाद मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक जो है हिलाते रहूँगी, और फिर उसके बाद जो है ये देखिए जो उबले हुए एग थे तो उसको हमें कुछ इस तरीके से जो है वो कट करना है ताकि जो मसाला है इसके अंदर जाए। तो ये देखिए सारे एग जो है उनको मैं कट करके ले रही हूँ, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है, धीरे धीरे हल्का हल्का जो है वो कट करना है, बहुत ही सिंपल है। और फिर अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर, जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर होती है वो, फिर उसके बाद नमक, हल्दी, हींग, इन सभी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स करना है, वैसे नहीं रखना है। और देखिए मैं धीरे धीरे स्पून के मदद से धीरे धीरे जो है मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो ये एग जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे जो है वो मिक्स करना है, और आपको 10-15 मिनट तक जो है वो साइड में रख देना है ताकि जो मसाला है पूरा थोड़ा बहुत जो है अंदर जाए। देखिए मैं कुछ इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारा जो प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा कम ब्राउन करना तो आप कर सकते हो, बट ऐसा वाला ही मुझे ऐसे लगता है कि करना चाहिए, बहुत अच्छी टेस्ट देता है आपकी बिरयानी को। तो अभी पॉट में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल लिया है, वही पॉट में लूँगी सभी के लिए, और फिर उसके बाद जो हमने एक को मसाला लगाया था ना तो उसको हम थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे, और इसको भी धीरे धीरे से आपको हिलाते रहना है, और
ध्यान में रखिएगा, जब आप ऑयल एक डालोगे ऑयल में तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ढक्कन रखिएगा और गैस जो है वो मीडियम पे रखेगा। अगर आप बहुत कम फ्लेम पे रखोगे तो वो इतना अच्छी तरीके से नहीं पकेगा। ये देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो रहा है ये एक, ये देखिए, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको पकाना है और कम से कम मुझे ऐसे लगता है 10-15 मिनट तक जो है वो रखना है। और फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे अंडे, तो आपको इसको निकालना है। जिस बर्तन में हमने पहले प्याज निकाले थे उसमें अभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये थोड़ा सा जैसे कि लाल मिर्च पाउडर जो है इसमें थोड़ी सी जो है ऑयल में आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने 4 ही लिए हैं और हमें ये सफिशेंट होते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा लेना अंडे तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अभी ये देखिए मैंने ऑयल जो है फिर से अभी गर्म कर रही हूँ, और प्लीज़ इस पे ध्यान मत दीजिएगा ऐसे ऑयल को, मसाले हैं। तो इसमें मैंने बड़ी वाली इलायची जो है वो डाल दी है, फिर उसके बाद दालचीनी, और फिर उसके बाद हमें जीरा जो है इसमें ऐड करना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए प्याज जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से जो है वो कट किया है, टमाटर लिया है, धनिया ली है और अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ली है। तो सबसे पहले हमें प्याज जो है वो डालना है और प्याज को हल्का सा ब्राउनिश करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं किया है, जैसे कि हमने पहले वाला प्याज जो ब्राउन किया था ना वैसे वाला नहीं करना है। और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से इसको जो है वो मिक्स कीजिएगा। तो अभी मैंने लाल मिर्च और धनिया जो है वो रोस्ट करके उसकी पाउडर जो है मिक्सर में ग्राइंड की थी, तो वही अभी मैंने इसमें ऐड की है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फिर उसके बाद जीरा जो है वो भी मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया था, वो भी अभी मैंने ऐड किया है, जीरा पाउडर। गरम मसाला है तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इस वजह से। और फिर इसके बाद अभी मैंने ऐड की है हल्दी, हींग और लाल मिर्च पाउडर जो है फिर से अभी हमें ऐड करनी है। और ये देखिए, और हाँ ध्यान में रखिएगा जितना राइस होगा उस हिसाब से जो है वो आपको डालना है। जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा तीखी पसंद होती है, बट हमें बहुत ज़्यादा तीखी पसंद नहीं है, मीडियम हमें पसंद है, तो इस वजह से मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1 चम्मच या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा मैंने डाली है। फिर उसके बाद मैंने, मुझे ऐसे लगा कि ऑयल जो है वो कम पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल दिया था। तो नेक्स्ट अभी मैंने ऐड किया है टमाटर, और टमाटर के बाद अभी मैं ऐड करने वाली हूँ नमक। और ध्यान में रखिएगा हमने अंडा जब फ्राई किया था उसमें भी नमक डाला था, और हम इसमें राइस भी ऐड करने वाले हैं तो उसमें भी नमक है, तो ध्यान से जो है नमक जो है हमें ऐड करना है, अपने हिसाब से ऐड करना है। और जब आप नमक ऐड करते हो ना तो टमाटर जो है उसका बहुत अच्छी तरीके से एक स्वाद आ जाता है और जल्दी भी पक जाता है टमाटर। और जब मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम पड़ चुका है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें ऐड किया था, क्योंकि बहुत ही ड्राई ड्राई दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल दिया था। और फिर उसके बाद हमें कम से कम 5 मिनट तक जो है वह ऐसे ही रखना है गैस पे, नहीं तो क्या हो जाता है ना टमाटर आपके दांतों के नीचे आएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता इस वजह से, तो मैं एकदम पूरा प्यूरी काइंड ऑफ हो जाता है ना, तो उस तरीके से होने देती हूँ। और उसके बाद मैंने अभी ये डाला है शाही बिरयानी मसाला, और ये एवरेस्ट का है और ये आप घर पे भी बना सकते हो, बट इसकी प्रोसीजर बहुत लेंदी, तो मैं तो रेडीमेड ही डालती हूँ। और उसके बाद मैंने ऐड किया है ये धनिया, और अभी ये जो ब्राउन ऑनियन हमने बनाए थे पहले तो वो अभी मैं ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद नॉर्मली जो वाइट राइस है यानी कि बासमती राइस जो है वो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरीके से जो है आपको मिक्स करना है। तो ये देखिए, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जैसे कि बचा हुआ राइस जो होता है ना, तो वो भी आप इसमें, मतलब अगर आपके पास बचा हुआ राइस है और अगर आपको अंडा बिरयानी बनानी है तो आप उसकी भी बना सकते हो अच्छी तरीके से, बट राइस जो है वो खिला खिला होना चाहिए, बहुत पका पका अगर होगा तो वो इतना, मुझे तो लगता है बिरयानी होगी नहीं उसकी। और ये देखिए इसको जो है राइस को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है ये पूरा मिक्स करने में, मुझे ऐसे लगता है 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद मैं, आपने जैसे देखा मैंने इसमें एक जो है वो डाले हैं,
और बहुत हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, नहीं तो अंडे जो है वो टूट जाएंगे उबले हुए एक। और कम से कम 5-10 मिनट तक रख दीजिएगा ताकि पूरी पूरा जो राइस है अंडा है वो जो गर्म हो जाए। देखिए हमारी अंडा बिरयानी रेडी है, बहुत ही यम्मी वाली लग रही है। और हाँ बिरयानी वगैरह जो है हो चुकी है, और आप में से बहुत सारे लेडीज़ ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला था कि अगर गणश्री को लाना है तो हम आपको जो है वो हेल्प करेंगे, तो उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और किसी किसी मेरे सब्सक्राइबरों ने पता नहीं कहीं से मतलब मेरा मोबाइल नितेश का मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला और उन्होंने बातचीत भी की। तो एक्चुअली प्रोसीजर है, बहुत दिनों से पहले से ही पता थी, जैसे कि अभी आपको सभी को पता है कि मेरे पापा की ट्रैवल एजेंसी है, तो कुछ लोग जो है वो फंसे हुए थे, तो उनके लिए मतलब उनको लाना था, तो उन उस टाइम भी लेटर लेके मतलब परमिशन लेके ही उनको लाया गया था। और पापा उस टाइम भी बोल रहे थे कि मैं परमिशन लेके आता हूँ, बट मैं ही बोल रही थी कि नहीं ठीक है थोड़े दिन तक ही है, थोड़े दिन तक ही, ऐसे ऐसे करते करते दिन जो है लॉकडाउन के बढ़ गए थे। और बाद में थोड़ी सी गणेशी ये होने लगी कि उसको नहीं रहना है, ऐसा होता है ना एक माँ से मतलब बच्चा अगर दूर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी भी नहीं है। तो अभी जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ के जो आमदार है जो हमेशा फेसबुक पे जो अपडेट देते रहते हैं, तो उन्होंने एक अपडेट बताया है, जैसे कि अगर सपोज हमारे गांव में अगर बंद है तो मतलब 100% लॉकडाउन, मतलब जैसे कि सब्जी भी मिलती है तो मतलब 6 से 10 बजे तक जो है सब्जी दूध वगैरह मेडिकल जो है ओपन होता है। तो कभी कभी क्या हुआ था बीच में 6 दिन जो है बंद था पूरा, मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब हाँ ये ग्रोसरी का सामान मिल रहा था ना, ग्रोसरी का सामान और मेडिकल जो है चालू था, बस सब्जी जो थी वो नहीं मिल रही थी और पूरे 6 दिन के लिए बंद कर दिया था। तो जैसे जिस तरह की जो अपडेट होती थी वो हमें बता रहे हैं हमारे यहाँ के आमदार। और अभी जो है अपडेट ये है कि अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या फिर दूसरे गाँव में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही है ना अभी, तो मेरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो सबसे पहले आपको जो है हमारे यहाँ के जो कलेक्टर है उनको फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा कि आपको क्या क्या रीज़न होना चाहिए, वो भी ऐसे कुछ भी नहीं, एक पर्टिकुलर रीज़न है, और मेरा तो एकदम ये रीज़न है, मेरा बच्चा वहाँ पे है, तो वो एक रीज़न आपको बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमारे गाँव मतलब हमारे यहाँ के जो कलेक्टर हो गए उनको भी वो फॉर्म देना चाहिए, मतलब उनको भी पता होना चाहिए, तो दोनों तरफ से पता होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ के कलेक्टर और उनके यहाँ पे कलेक्टर। फिर उसके बाद जब आपको मंजूरी मिलेगी तो आप ट्रैवलिंग, खुद की अगर गाड़ी है जिनकी उन्होंने ये भी बोला है ना, खुद की अगर व्हीकल है तो वो उसको प्रायोरिटी प्रायोरिटी पहले से। फर्स्ट मिलेंगी। और आज क्या सांगितलं त्यांनी कि वहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा या फिर यहाँ पे? नहीं, तिकडे पोहोचल्यानंतर की नहीं, हाँ तिकडे मेडिकल चेकअप चे सर्टिफिकेट भी नहीं जाए। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मतलब हमारा पूरा टेस्टिंग, तिकडे निकता ना। हाँ वहाँ से निकलते टाइम टेस्टिंग करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ पे कलेक्टर वो तो मतलब कोई भी कलेक्टर नहीं, मतलब जो भी वहाँ पे है तो चेक ही करेंगे ना जब नाका पे किया आपका मेडिकल, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका, मुझे तो डिफिकल्ट ही लग रहा है। और फिर उसके बाद जो है 14 डेज आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, मतलब एक ही मतलब क्या बोला, एक कमरे में हाँ जब आपके क्वारंटाइन, पास नहीं है रूम, नहीं है, इंडिपेंडेंट रूम है तो आप घर में रख सकते हो, हाँ या तो फिर गवर्नमेंट आइसोलेशन आइसोलेशन वार्ड में जाना वार्ड में पड़ेगा, आपको हाँ रखना गवर्नमेंट के, रखेंगे। हाँ नहीं हाँ तो गवर्नमेंट के आइसोलेशन वार्ड जो है हाँ तो वहाँ पे जाना पड़ेगा 14 डेज के लिए। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि मतलब अगर जाना है तो हम तीनों जाना पड़ेगा तीनों को, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। और तो अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि अभी मतलब वहाँ से आते, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना बाहर, है ना। और इस वजह से अभी तो पता नहीं, अभी मेरे पापा को भी बताया तो पापा बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब गणेश अभी तो रह रही है, ठीक ठाक से तो रह रही है, बट ये है ना कि यार उसके मन में ये ना लग जाए कि यार मम्मी पापा ने जानबूझ के मुझे वहाँ पे रख दिया है ना, मतलब ऐसा होता है ना बच्चे के मन में, क्योंकि स्वामी श्री मैडम भी तो नहीं, ये है ना नौटंकी की बात, मतलब बहुत कुछ चीज़ें अगर जैसे कि खिलौने हो जानबूझ के दिखाती है,
और केक बनाया कुछ भी, तो इस वजह से उसका मन डाइवर्ट होता है। इस वजह से हमने क्या किया पता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कॉल करना जो उसको बंद कर दिया है, ताकि वो उनमें ही घुल मिल जाए। वो हो चुकी है, वो मिक्स हो चुकी है। बट यार बहुत छोटा बच्चा अभी, मतलब हमें किसी किसी ने कहा कि तुमने क्यों छोड़ के आई। अरे मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के आई थी, गणेश और स्वामी जी दोनों गए थे, दोनों अपनी मर्जी से गए थे। मैंने कभी भी, इतने साल हुए, मैंने कभी भी अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ा। मतलब किसी के पास मतलब अपने मम्मी पापा के पास ही मैं मतलब छोड़ सकती हूँ। बट ये जो मैडम है, जैसे कि मेरे दादाजी गुजर गए थे तो हमें दूसरे दिन तुरंत निकलना पड़ा। इस मैडम ने इतना परेशान किया था मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सभी को, मेरे सिस्टर को, मतलब बहुत बार। इस वजह से गणेश भी उस तरीके से बिहेव कर रही थी। तो मम्मी बोली कि तू इसको लेके जा, जब हम गए थे तो मेरे को गुस्सा आया था मम्मी को, मम्मी के ऊपर कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही, इसको लेके जा। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो लॉकडाउन हो गया था। बट अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे मम्मी पापा की पूरी बैंड बजा दी, ये इसकी वजह से पूरी बैंड बजा दी। गणेश मतलब इतना नहीं करे बट थोड़ा बहुत, तो उसको देख के मम्मी पापा को बुरा लग रहा है कि वो थोड़ा सा पहले पहले तो ठीक रही थी, बट फिर भी बीच में थोड़ा सा रोना धोना इसकी वजह से, ये खिलौना दिखाती थी, ये वो ये, तो अभी तो रह रही है। तो पापा ने बोला ठीक है रहने दो जितने दिन तक है, देखते कब लाएंगे गणेश को। बाय कर लो, बाय कर लो ना। अरे स्वामी श्री बाय कर, बाय करता है, मैं बोल रहा हूँ यार मोबाइल दे। मोबाइल काट लेना। थैंक यू। किसी दिन किसी दिन ना, अरे सभी को दे कैसे तो मोबाइल, दोना मोबाइल दे नहीं मोबाइल ना काटना, मत दे वो किसी किसी दिन दे, तसन है फ्लाइंग किस, मत दे मत दे। अरे बस ऐसा कर रहा हूँ, देखिए नखरे इसके, ये क्या रहती मेरे मम्मी के घर।